दोस्तों यार, क्या आप भी एक YouTube चैनल खोलें और उस पर बैनर फोटो या कवर फोटो लगाना चाहते हैं जो कि इस तरह से आपको देखने के लिए बेस्ट देखने के लिए मिलेगा। सो अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे, मैं इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ कैसे आप लगा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए एंड क्रोम ब्राउज़र से हम बताएंगे ये YouTube से नहीं होता है गाइज, ये क्रोम ब्राउज़र वेबसाइट पर जाके होता है, YouTube के वेबसाइट पर जाके। ठीक है, तो यहाँ पर आप YouTube स्टूडियो सर्च कर लीजिए, वाइट्यू स्टूडियो। तो यहाँ पर वाइट्यू स्टूडियो मैंने पहले से सर्च किया था एंड यहाँ पर मैं एंटर कर ले रहा हूँ। एंड एंटर करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको फर्स्ट में जो मिलेगा YouTubeStudio.com, सो गाइज इसी पर क्लिक कर लीजिए एंड आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इस बार क्लिक करके। एंड इसको डेस्कटॉप मोड में करने के लिए यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना होगा, डेस्कटॉप साइड का एक ऑप्शन है, सिंपली आपको वहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड आपको ये डेस्कटॉप साइड में ये ओपन होगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड में खोल लेते हैं। सो गाइज, तो यहाँ पर खोल लेने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जूमिंग करके मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक डॉलर के नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये। सो आपको यहाँ पर कस्टमाइज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बीच में देखने के बैंडिंग का। ठीक है, बैंडिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देखते रहिए गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप प्रोफाइल फोटो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से वाटर मार्क भी लगा सकते हैं वीडियो में नीचे वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर DP का जो है ना, क्या कहते हैं, कवर फोटो या बैनर फोटो जिसको बोलते हैं गाइज, ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर साइज व साइज फोटो लगता है गाइज, जो साइज होता है 1152 यही कुछ करीब होता है, 2048 और 1152 यही करीब होता है गाइज। तो इसका फोटो गूगल पर से सर्च कर लीजिएगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, बैंडिंग YouTube बैंडिंग फोटो सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ कैसे अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोड वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फाइल खुल जाता है। तो गाइज मैं पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किया था, तो ये ऐसे ही कुछ मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल पर से। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको लगा देता हूँ सेव। ठीक है, जो सवाल होता है गाइस वो कमेंट में पूछ लीजिए, जो नहीं हो रहा है आपके आपसे, उसके बाद लगा देने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सेव पब्लिश कर देना है। यहाँ पर हो चुका है सेव ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पर पब्लिश का एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ से पब्लिश कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, तो ये हो चुका है गाइस। तो चलिए मैं आपको यहाँ से अब क्लोज करके यूट्यूब ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं क्लोज कर लेता ले रहा हूँ। सो गाइस यहाँ से मैं क्लोज कर लिया एंड आपको मैं यूट्यूब ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ कैसा लग रहा है ये फोटो लगाने के बाद। देख सकते हैं गाइस कितना बेस्ट लग रहा है, जो कि अभी ये बैंडिंग लगाने के बाद लोगो वगैरह यहाँ से मैं लगा सकता था, मगर लोगो इसको एडिटिंग नहीं किया, तो आप लगा सकते हैं। और ऊपर का भी कलर चेंज हो गया है, तो पहले काला लग रहा था, ब्लर लग रहा था, अभी बेस्ट लग रहा है। जो सवाल है कमेंट